गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच में एक्चुअल में चल क्या रहा है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्योंकि आपने यहां पे बहुत ज्यादा इमोशनली आप इन्वेस्ट हो चुके हो, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो और कहने के अब आप इस पर्सन को खोना या इससे दूर होना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। दोनों के बीच में आई डोंट नो व्हाई दूरियां सडनली बढ़नी शुरू हो गई हैं, दोनों बीच में गैप्स आने शुरू हो गए। जो पर्सन आपसे हर एक बात शेयर किया करता था, वो इंसान आपके पास रहकर सुकून फील किया करता था, वो इंसान आज रेट में ना आपसे बात कर रहा है, चकल देखने को राजी नहीं है, जब भी बात करता है अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आती आ रही जिसकी वजह से आपका रिश्ता कहने के ब्रेकआउट होता जा रहा है और आप इस रिश्ते को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आपके मन में इस इंसान के लिए प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इंसान उस प्यार की कदर नहीं कर रहा है। इस समय कुछ चीजें या तो आपसे गलत हो गई हैं या कुछ चीजें या तो उससे गलत हो गई, कुछ चीजें हुई हैं दोनों के बीच में जिसकी वजह से दूरियां क्रिएट हो रही हैं। तो आज कार्ड्स के थ्रू यही सब जानेंगे, आखिर वो चीज क्या है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, क्या ये रिश्ता सुधर सकता है, क्या ये पर्सन वापिस आपके पास आएंगे या रिश्ता खत्म हो चुका है। देखते सब कुछ कार्ड्स में निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा सा नोट फटाफट बता देता हूं, यदि पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यदि आप मुझसे, तो इसके लिए डायरेक्टली आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कीजिए, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से करी जाती है, 100% एक्यूरेसी रहती है, उसकी गारंटी है। साथ में नंबर है मेरा 9560227240 और साथ में आपको यदि न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना है, आप चाहते हैं एक सिद्धि आपके हाथ में, आप भी सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, सेल्फ अर्नर बनना चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा हो कि मैं अपने हाथ से कुछ कमाऊं, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े पैसों के लिए, तो उसके लिए आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। मेरी वाइफ भावना बाटलैन जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कोर्स कराती हैं, आज तक कई लोगों को वो ट्रेन कर चुकी हैं और साथ में कुछ लोग ऐसे जो कि एस्ट्रो ऐप में भी कहीं लग चुके हैं, जो कि सीख कर उनको आपको लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आप सर्टिफिकेट को आप किसी भी बड़ी ऐप में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को मैं शफल करता हूं, तब तक आप अपने पार्टनर को मन में ध्यान कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर रहे, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहां पे निकल के आया है मेरे पास 8 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई आप चीजों से गिव अप क्यों कर रहे हो, मुझे बताइए पहले बात तो। क्योंकि ये कार्ड जानते क्या दिखा रहा है, कि आप सिचुएशन से सोल्यूशन ना ढूंढकर सोल्यूशन से भाग रहे हो इस समय। मतलब क्या है, आप इन्हें गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके हाथ में कुछ चीजें थी जो कि चीजें अब आपके हाथ में नहीं रह रही है, जो कहते हैं रेत हाथ से फिसलना, आपके हाथ से रिश्ता इस तरह से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको संभालने के बजाय ना वहां से जा रहे हो, क्योंकि आपके मन में इतनी आपने नेगेटिविटी डाली कि रिश्ता आप नहीं बच सकता, रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ते में कोई और आ गया है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट हो गया, काफी समय हो गया, ये सब क्या चीज सारे आपके दिमाग में ऐसी आती जा रही है कि आप इस रिश्ते से कहने गिव अप करते हुए यहां दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा सैडनेस कहने के आपके अंदर दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्लियरली देख लो, आपके अंदर इस तरीके का एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि ना तो आप अपने पर फोकस कर पा रहे हो, मूव ऑन करने की जितनी बार भी कोशिश करते हो उस इंसान को अपने नजदीक उतना ही पाते हो। बैठे बैठे रो पड़ना, घर पे ध्यान ना देना, अपने पे ध्यान ना देना, अपने प्रोफेशन पे ध्यान ना देना, कहने की ये चीज आपके इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है। भागो मत, मैं फिर बोल रहा हूं, भागो मत, चीजों को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। साथ में एक कार्ड निकला है मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जानते क्या कहता है, ये आपने कहने के आपकी एनर्जी इस समय ऐसी हो रही है कि इंसान ने जंग हार जाना, वो चीज हो रही है आपकी नजर में कि मैंने सारे एफर्ट्स लगा लिए, मेरे साथ कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मेरा रिश्ता खत्म होता जा रहा है। हमेशा ही मैं करूं, दिन में अगर आप 10 बार बोलते हो ना रिश्ते के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में 10 में से 9 बार ये आता है कि मेरा रिश्ता खत्म, अब वो नहीं आएंगे, अब वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, कोई थर्ड पर्सन है, कुछ मर्जी है, वो मुझे धोखा देके चले गए, सारा ब्लेम वहीं पर। कहीं ना एक बार भी मैनिफेस्टेशन ये नहीं करा कि नहीं मेरा रिश्ता आज भी बच सकता है, मैं उनको लेकर आऊंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, ये करती हूं, लेकिन उसको आना ही पड़ेगा। इसकी बजाय आप सब नेगेटिव चीज करते रहो, जिसकी वजह से आपके हाथ से चीजें निकलती भी हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आप कहने के चीजों को लेकर गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजों को थोड़े के थोड़ा सा पेशेंस रख लो, चीजें अभी देखते हैं क्या क्या निकल के आता है, लेकिन हारना या गिव अप करना इज नॉट एन सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप चाह के भी उस इंसान को दिमाग से तो निकाल नहीं पाओगे, मूव ऑन तो कर ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में। जब मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, आपके अंदर उतना ही स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, 90% चांसेस हैं दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि यहां पे कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, जो कि दिखाता है आप मुझे कहने के दिखाई दे रहे हो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो।
या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, और या ये पर्सन सिंगल है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये पर्सन मैरिड है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, और आप भी मैरिड हो या बैचलर हो, कुछ मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और रिलेशन पहले बड़ा स्मूथ चल रहा था, शुरुआत इन्होंने आपके साथ करी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, वादे बहुत थे, जिंदगी भर साथ रहने के वादे थे कहीं ना कहीं, लेकिन चीजें अब अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपको एक सपोर्ट मिला हुआ था। अगर आप भी मैरिड है और ये भी मैरिड है, दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपको सपोर्ट मिला हुआ था इस रिश्ते में कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट जो चीज मेरी लाइफ में मिसिंग थी, जो मेरे मैरिड लाइफ में चीज मिसिंग थी, वो चीज मेरी सारी इसने पूरी करी है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूँ, जब आप मैरिड रिलेशनशिप, जब आप मैरिड हो और किसी मैरिड रिलेशनशिप में, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मिसिंग थी, जैसे कि आपको आपके हस्बैंड हो सकता है बहुत एटीट्यूड वाले हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, दोनों बीच में बॉन्डिंग अच्छी ना बन रही हो, काफी समय से लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता हो, आप पे ध्यान ना देना, कुछ चीज ऐसी थी। लेकिन इस इंसान ने आके वो सब चीजें कहने की पूरी करी, खुद अप्रोच करा था इस इंसान ने आपको, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ये इंसान आपसे या तो बात नहीं कर रहा है, या दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे मून का। मून का कार्ड जानते हैं मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अगर ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन अगर आपके साथ जुड़े हुए थे, जुड़ने होने के बावजूद भी अगर ये पर्सन सडनली आपसे दूर हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसके घर पे कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिला है कि ये पर्सन बाहर किसी से अटैच है, जिसकी वजह से आज की डेट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां क्रिएट होती जा रही हैं। और जानते हैं वो पर्सन कौन है, हो सकता है इसकी फैमिली कोई पर्सन हो, जैसे इसकी वाइफ हो सकती है, इसकी जो आपके पार्टनर की एक्चुअल वाइफ है वो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें काफी ज्यादा पकड़ में आती जा रही है, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा जो शक्की मिजाज की है, एक कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दूरियां आई है। और मुझे कुछ ना कुछ चीजें आपके हैंड से गलती लग रही, कुछ आपने गलती कर दी है। कार्ड निकला है फाइव ऑफ वैंड्स का। आपके बीच में जब डिटैचमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, क्योंकि या तो ये पॉसिटिव फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, ये भी शो करता है कि आपकी चेजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा थी अपने पार्टनर की तरफ। अब वो बंदा मैरिड है, यदि आप उसको बार बार कॉल मैसेज करते रहोगे तो उसके घर पर तो पता लग जाएगा ना, और कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है, आपने उन्हें कोई कॉल या मैसेज करा है और मैसेज वहां पे उसकी वाइफ ने उधर पढ़ा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हुई है, और यही रीजन रहा है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का, और उसके बाद से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आज के डेट में देखा जाए आपके पार्टनर इस समय आपको लेके बहुत नेगेटिव है। आपके एक मैसेज ने या कोई कॉल ने उसका पूरा घर हिला दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, उनके घर में इस तरह कंडीशन आ गई है कि उनका रिश्ता टूटने की उस पर आ गया। और ध्यान रखिएगा, अगर रिश्ता टूटने की उस पर आएगा ना, अपनी वाइफ और आप में को चूज करेगा, वो अपनी वाइफ को चूज करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। लेकिन आपके अंदर आज भी वो पेशेंस नहीं आ पा रहा है कि अगर चीजें ऐसी हुई है तो मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए। आपकी एनर्जीज आज भी वही है कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है। आप हो सकता है डिफरेंट नंबर से उसे चेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसे ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया स्टॉकिंग कर रहे हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन आज भी आपके अंदर सब्र नहीं आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, गलती शायद यहाँ पे आपसे ही हुई है कोई, उस गलती को सुधारने का मौका दो उसे। देखो कार्ड भी निकल गया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, 100% श्योर है उसी की वाइफ है जो कि आप दोनों को दूर कर रही है। उसकी वाइफ को क्लियरली पता लग चुका, आज डेट में अगर देखा जाए उसकी ऑलरेडी लाइफ टॉक्सिक चल रही थी, जिसकी वजह से वो आपके पास आके सुकून ले रहा था, आपके पास आके बैठ रहा था, अगर आपसे दो पल की बातें कर रहा था, आपके मन में उसको ये आ गया, वो कहता है ना कि अंडे मुर्गी के अंडे निकल रहे, अंडे नहीं लेने, पूरी मुर्गी काट दी। आपने एक बारे में वो कर दिया, आपने सब कुछ एक बारे में पाना चाहा, सब कुछ खत्म हो रहा है। आपको कहने का देखा जाए, इसकी वाइफ को देखा जाए, इसकी वाइफ इसके ऊपर पूरा सर्वेलेंस लगा के है, अभी चीजें बची हुई है उसके घर में, लेकिन उसके वाइफ को उसके ऊपर जो ये आप जो कहते हैं ना धागे में अगर गांठ आ जाना, वो चीज आ चुकी है उसके दोनों की लाइफ में। जो चीज दिखाई दे रही है इसके वाइफ का पूरा सर्वेलेंस है कि वो कब क्या कर रहा है, किससे बात कर, हर चीज पे नजर है। अगर आप आज की डेट में उससे बात करने की कोशिश करोगे ना, तो मैडम जो सिंपल से बता दूं आपको, चीजें खराब हो जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, चीजें थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उसके वाइफ को थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट जो है डाउट क्लियर हो जाने दो, क्योंकि उसको ये नहीं पता लगा कि आप हो, उसको ये पता लगा है कि हाँ कोई है। अगर उसने आपको ब्लॉक भी कर रखा, दैट इज सिंपल बता दूं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसको पता लग जाएगा ना आप हो, वो कुछ ना कुछ कर देगी आपके साथ, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, उसके घर की चीजें सॉर्ट आउट होने दो, ये पर्सन आपके पास हर हाल में आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है, जब से इसके वाइफ को पता लगा है, आपने खुद देखा होगा आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ तक चेंज हो गया, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, टोटली जीरो। जानते हैं क्या हुआ है,
इसके ऊपर कुछ कराया गया है। एक नेक्स्ट कार्ड देखो, लो नेक्स्ट कार्ड में निकल के रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं ना, इट इज सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। इसकी वाइफ ने किसी के थ्रू कुछ करवाया है आप दोनों को दूर करने के लिए, नाम नहीं पता उन्हें आपका, लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन अगर उसके साथ होगा ना, कुछ सिम्टम्स आपके साथ भी आ रहे होंगे, आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं स्टार्ट हो गए, आपके फाइनेंशियल में दिक्कत आ रही हो, आपके जॉब में दिक्कत आ रही हो, आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, थकान बहुत ज्यादा रह रही हो, एक हेडेक बहुत ज्यादा रहना, एनर्जी ड्रेन्स होना, ये अगर आपके साथ हो रहा है, साथ में आपके पार्टनर साथ भी हो रहा है, तो माने चलो ये चीज 100% ब्लैक मैजिक है जो कि इसके वाइफ ने किया है आपसे दूर करने के लिए। आप खुद देख लो एक छोटी सी गलती कितना बड़ा रूप ले गई। उसने आपको पहले भी कई बार मना करा कि मुझे अपने जैसे कॉल मैसेज मत करा करो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। अगर कहीं फंसा हुआ है वो, तो उसके बावजूद भी यदि आप उसे कॉल मैसेज कर रहे हो तो रिश्ता तो खराब होना ही होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजों को थोड़ा सॉलिड हो जाने, तो चीजें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। इसका सोल्यूशन भी आपको लास्ट में बताऊंगा क्या कर सकते हो कि ताकि उसके ऊपर से पहले वो हट जाए और उसका अटैचमेंट आपकी तरफ हो जाए, उसको बताऊंगा लास्ट में। साथ में कार्ड निकला है, देखो आया ना वो चेजिंग एनर्जी का, फोर ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप आज भी उसे कोई ना कोई अप्रोच करने की कोशिश करते हो किसी अलग नंबर से या किसी के थ्रू कि उससे बात करनी है। अगर आप ये करोगे ना, रिश्ता बिल्कुल जीरो कर लो। फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे सिर्फ पेशेंस रखना है, पेशेंस रखो, रिश्ता सही हो जाएगा, क्योंकि वो और उसकी वाइफ ज्यादा समय के लिए साथ में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि उसके दोनों के बीच में काफी दूरियां बन चुकी हैं, पहले ही बनी हुई थी अब और बन गई है, तो ज्यादा समय दोनों के दूसरे के साथ नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख लो, ये पर्सन टोटली आपका हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की। अपनी तरफ से कॉल मैसेज मत करो, ये इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा हर हाल में, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने उसके लाइफ में वो सुकून के पल लिखे थे जो वो हमेशा से डिमांड करता था, जो कि उसके वाइफ ने नहीं दिए थे। साथ में कार्ड निकला है सेवन ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कन्फ्यूजन को। इस समय वो कन्फ्यूज है अपने ही थॉट्स में कि उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप में रह नहीं पाएगा, ऑलरेडी उसकी लाइफ टॉक्सिक हो रखी थी, अब और टॉक्सिक हो गई है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, आपको लेकर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, उसके अपने वाइफ को लेकर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूजिंग माइंड है, कहने का भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय बताऊं तो इस ईयर के एंड तक रुक जाओ, आपके सामने सारे की सारी क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला हरमेट का। हरमेट कार्ड क्या है, अब आपके मन में कई बार रिग्रेट आता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती मुझसे बहुत बड़ी हो गई, अब गलती करके पछताना क्या, अब तो हो चुकी है। अब मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर आप गलती रियलाइज करना चाहते हो, उसको कोई अप्रोच मत करो, अगर आप चाहते हो रिश्ता दोबारा मेंटेन हो, क्योंकि आपके भी सपने उसके साथ बहुत हैं। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने उसकी वजह से कहने की आपके भी जो आपस में क्लेशेस चल रहे थे, आपने तो डाइवोर्स के लिए फाइल कर रखा हो अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि हाँ वो उसका डाइवोर्स अगर होता है तो आप दोनों का बीच में शादी होने के चांसेस हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी उस चीज को समय लग जाएगा। आपने जो चीज गलती कर दी, कहने की जो गलती हो गई है आपसे, ये कहने की ऐसी हुई है कि ये आपका वेटिंग पीरियड बढ़ा दी है इसने, लेकिन चीजें आपके फेवर में आएंगी जरूर, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट कार्ड निकला है टू ऑफ हैंड्स, क्लियरली शो करता है ये इंसान भले आपसे दूर हो, आपसे बात ना कर रहा हो, लेकिन आज की डेट में भी इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, भले अपने काम पे हो, कितना मर्जी बिजी क्यों ना हो, इसके दिमाग में आपके थॉट जरूर आते हैं, खास तौर से रात के समय इसके दिमाग में आपके थॉट जरूर आते हैं कि मुझे वापस उस रिश्ते में जाना है, मुझे वापस रिश्ता मेंटेन करना है, और वो हर हाल में करेगा। मैंने कहा टू ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला, 2 महीने का टाइम पीरियड दे रहा हूँ, 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास उसका कॉल मैसेज हर हाल में आ सकता है। साथ में कार्ड निकला एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप दोनों डिवाइन की द्वारा मिलवाए गए थे। आप जो पूछते हो ना कि आखिर ये आया क्यों मेरी लाइफ में, ये ईश्वर द्वारा मिलाया गया है और ईश्वर द्वारा ही अलग किया जाएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया अलग होने के, आप दोनों फिर से मिलोगे और ये रिश्ता बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका सेवन ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है ये इंसान अपनी तरफ से इस समय देखा जाए ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा है। स्ट्रगल किस सेंस में, इस समय इसकी फैमिली को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहा है और कहने के बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट, कहने के उसकी लाइफ ना कहने के इस समय ऐसी हो गई है, ना तो वो अपने काम पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपने पे ध्यान दे पा रहा है, ना आप पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपने वाइफ पे ध्यान दे पा रहा है। वो इस समय टोटली चारों तरफ से स्टक हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अभी उसके और उसकी वाइफ के बीच में काफी दूरियां क्रिएट हो रही है, जो कि उसके अंदर स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ा रही है। वो बस उन चीजों को सॉर्ट आउट करने में लगा पड़ा है कि इस तरह चीज सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद स्टेबल लाइफ चले, ताकि वो आपके साथ भी आपको टाइम स्पेंड कर सके, आपके साथ भी सुकून पाते हैं, जिस सुकून के लिए वो आपके पास आता है। इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको आएगा जरूर, ये कन्फर्म है। प्यार बहुत करता है ये भी कन्फर्म है, लेकिन कुछ गलतियां हुई है, उस गलती को सुधारने का थोड़ा समय दो, ठीक है। साथ में बहुत प्यारा कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकला, जो कि दिखाई दे समय आपके फेवर में हर हाल में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, इस ईयर के एंड तक का पेशेंस रख लो, ये इंसान आपसे प्यार करता है और आएगा भी, और प्यार सब जगह सारी चीज क्लियरिटी भी देगा,
हो सकता है जब आपके सामने आए तो वहां पे आप दोनों बीच में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, लेकिन झगड़े में आपको सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं, क्योंकि गलतियां आपकी हुई हैं। ठीक है, चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, ये प्यार करता है और इसको आपसे सुकून मिलता है, आएगा जरूर, ये गारंटी है। गिव अप मत करना बस यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना, छोड़े आज जल्दी में था, कुछ निकलना भी है मुझे कहीं बाहर, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।